Bismillahirrahmanirrahim. Students, question number 1, exercise 3. Fill in the blanks. Students, exercise 3A का question number 1. आपको blanks की सूरत में. ये blanks बहुत interesting है और इसको करने के लिए जो आप जो है formula जो इस वक्त अपने mind के अंदर रखेंगे वो होगा divided is equal to quotient multiplied by divisor plus remainder. ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये टर्म्स को देखें, अगर आप इन टर्म्स को देखें तो ये डिवीजन के अंदर आप ये टर्म्स, आप इन टर्म्स को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से. डिवाइडेड इज इक्वल टू क्वोशन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. इसका क्या मतलब है? अगर इन टर्म्स को हम ये बॉक्स में देखें, ऐसी वैल्यू जो अंदर बैठती है वो क्या कहलाती है? डिवाइडेड. जो ऊपर आता है वो कौन होता है? क्वोशन. जो इसको डिवाइड करता है, जो बाहर लिखा जाता है नंबर, वो क्या कहलाता है? डिवाइजर. और अगर कोई चीज बच जाए यहाँ पे तो वो क्या कहलाती है? रिमाइंडर. इस बात को माइंड में रखते हुए हमने जो है अपनी इन ब्लैंक्स को सॉल्व करना है. ठीक है, अब जो हमारी जो ब्लैंक्स हैं, डिवाइडेड इज इक्वल टू क्वोशन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, प्लस रिमाइंडर. इसको माइंड में रखते हुए अब जो है आप ये देखिए, हमने ये सॉल्व करनी है ब्लैंक्स को. अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, इस वक्त जो हमारे पास ये जो अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें, अगर हम अपनी इक्वेशन को गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है ये जो 135 है ये क्या है? डिवाइडेड. यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? क्वेश्चन. ये डिवाइजर रिमाइंडर हमारे पास नहीं. अच्छा, अगर हम अपने बॉक्स को यहाँ पे लिखे 135, स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए. अगर हम आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं 3 को, ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे अप्लाई करूं, इसको ऊपर अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो कि मेरे पास 6 डिवाइडर भी मौजूद है और यहाँ पे 2 भी मौजूद है, यहाँ की वैल्यू मेरे पास मौजूद नहीं, तो स्टूडेंट्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं, इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या बनता है? 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0, यही बन रहा है ना. या यहाँ 0, हमारे रिमाइंडर 0 आ रहे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 0 करूं तो हमारी इक्वेशन बराबर आ जाएगी, तो आ जाएगा 6. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास अगर डिवाइजर या क्वोशेंट में से कोई चीज नहीं है, बताने की बात यह है कि अगर अब यहाँ मेरे पास डिवाइजर गिवन नहीं है और क्वोशेंट गिवन है, तो क्वोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करूं, आंसर पे कोई फर्क आने वाला नहीं. तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने इसको जो है ना क्वोशेंट को जो है इसको क्वोशेंट की बजाय मैं इसको डिवाइजर कंसिडर करके मैं जो हूं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूंगी. और यहाँ पे जो है मैं यहाँ इसको लिखूंगी 12, ठीक है, यहाँ लिखूंगी 12 और इसको मैं सॉल्व कर लूंगी. 12 वन सा 12, 3 में से 2 गया 1, 15, अगेन 12 वन सा 12, 3. अब इस इक्वेशन के थ्रू, मेरा यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 11 और रिमाइंडर की जगह आ जाएगा 3. अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ कि मैंने सही किया है कि नहीं, 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 11 से, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, मेरे पास आ गया 2, 3 और 1, 132. 132 में जब मैंने 3 को प्लस किया तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल प्रूव हो गई, यानी कि इस तरह भी मेरे पास आ गया 135. सिंपल बताने की बात ये, इन ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए आप जो है इस इक्वेशन को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और क्वेश्चन और डिवाइजर में से जो भी कोई एक चीज मौजूद होगी उससे आपने इस नंबर को डिवाइड करके बाकी की वैल्यू निकाल लेनी है. होप स्टूडेंट ये आपको तरीका समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 1 की बाकी की 2 ब्लैंक्स आपकी सेल्फ असेसमेंट है, आप करेंगे, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ बोर्ड पर राइटिंग किया, वो हमारा ट्रू फॉल्स था और उस रीडिंग में से था, रीडिंग असेसमेंट है, आपने रीडिंग दोबारा से करके और ट्रू फॉल्स आपने खुद से कर ली, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में लिस्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ,
उन्होंने वहां पे थ्री नंबर्स दिए जिसके मल्टीपल्स लिखने, यहाँ मैंने वन लिखा है। मल्टीपल का क्या मतलब है? ऐसा नंबर जब के दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो जो आंसर आता है उसका मल्टीपल कहलाता है। स्टूडेंट जब भी आपसे किसी नंबर का मल्टीपल लिखने को कहा जाए आपने सिंपल उसका टेबल लिख देना है। उन्होंने कहा है 17 के मल्टीपल लिखें, 5 मल्टीपल्स, आपने क्या किया 17 का टेबल 5 तक राइट कर दिया। 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 अगर आपको इसका करने में प्रॉब्लम आ रहा है आप इसको कर ले, 7 फोर जा 28, 2 कैरी 68, 17 फाइव जा 35 का 5, 3 कैरी 85। सो रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17, 34, 51, 68 एंड 85। ठीक है, रिक्वायर्ड मल्टीपल्स जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया ना। सिंपली हमारा एक क्वेश्चन यहां से ऐसे सॉल्व हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें उसमें वो कह रहे हैं कि लिस्ट मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप जो है सॉल्यूशन के अंदर जस्ट 7 का टेबल राइट करेंगे। 7 वन्स आर 7, 7 टूज आर 14, 7 थ्रीज आर 21, 7 फोर्स आर 28, 7 फाइव्स आर 35, 7 सिक्स आर 42। अब ये देखें वो कह रहे हैं लिस्ट करें मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 और 40। इट्स मीन दे आर सेइंग ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 40, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 40। आपने क्या किया, ग्रेटर देन 10 यहां से 14 से और लेस देन 40 35 से। सो रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर 14, 21, 28 एंड 35। बहुत ही आपके क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप इनको बहुत आसानी से कर लेंगे।